आज असा इस टाइम मौजूद हां चकसवारी ने मकाम पर बड़ा रहूंगा। पूरी उम्मत ते मुसलमान जरा कर्ज सी ओ अदा किता ते उसकी वसले जहन्नम किता। पूरे चकसवारी जिसना एक राउंड आ और चकसवारी ने मुख्तलिफ जगह पर गुजरनी है। खुलेगी मेरी कभी तो मेरा ड्राई फ्रूट एंड स्वीट्स ने पंजाब दरे नबी पर बड़ा रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद साकिब सरवर, सो तक रहे अपना फैमिली यूट्यूब चैनल कोटरी टीवी। उम्मीद करना के सारे पैन भरा ठीक ठाक हो सो, अल्लाह तला ने हिफ्ज़ो अमान जो सो। आज असा इस टाइम मौजूद हैं चकसवारी ने मकाम पर और चकसवारी ने मकाम पर इतने त्रै गाजियान है जिन्होंने हक एक रैली ना इनाकाद किया गया। इस रैली ने इनाकाद कौन करी रहा, किस तरीके ने मामला थे, चकसवारी ने मकाम पर असा मौजूद हैं हूँ जुसा अगर ना नाल रैली ने जुसा और देखसा क्या कुछ आखने जो इतने मौजूद अफराद है वो इस रैली में शिरकत करता क्या आख सुन और उन्होंने क्या तासरात वगैरह सुनो भी किन सा और ये किस हद तक बड़ी रैली है और इसने मकसद क्या है, वो गाजियान कौन है, उन्हें क्या काम किया, क्या उन्हें करनामा सर अंजाम दिता और इस तरीके ने तमाम तर जितने भी मामला थे ये थोड़ा डिस्कस कर सा हूँ जुलने नाल नाल बनासा वीडियो नाल सुना शेयर कर सा। दरे नबी पर बड़ा रहूंगा बड़े ही रहने से काम होगा कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी कभी तो मेरा सलाम होगा दरे नबी पर बड़ा रहूंगा बड़े ही रहने से काम होगा खिलाफे माशो कुछ हुआ है ना कोई आशिक से काम होगा खिलाफे माशूक कुछ हुआ है ना कोई आशिक से काम होगा खुदा भी होगा उधर ही है दिल जिधर वो आली मकाम होगा। असा रैली शामिल है और साहब साहब भाई और मौजूद है इन्होंने को ना पूछने नाल इन्होंने को पूछने कि इस रैली ने मकसद क्या। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब सुन का नाम मोहम्मद जुनैद हाशमी। जुनैद हाशमी साहब, जुनैद हाशमी साहब दसो कि ये जी रैली निकली रही है इसना क्या अगराज मकसद का है, क्यों रैली निकली जी? सब तो पहले तो तुसा शुक्रिया अदा करना है कि तुसा आज अजीमो शान फकीदुल मिसाल रैली ने कवरेज करी रहे हो। बुनियादी तौर पर इस रैली ना मकसद तहफूज नामोस रिसालत ने उनवान तो रैली ना इनकाद होया। बेसिकली अवाम इलाका और पूरे आज़ाद कश्मीर की इस गल ना इलम है कि एक कन्फर्म गुस्ताह रसूल जिस हजूर अलैहि सलातो वसलाम निशान अकदस भी गुस्ताही की थी उसकी फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने एफआईआर कटी और तकरीबन 2 साल वो जेल ने अंदर रहा लेकिन उस तो बाद अदालतों उसकी बरी किया है और बरी होने तो बाद जाहिर सी बात है कि उस गुस्ताही रसूल ना मुर्तकिब सी और मुसलमान ने जज्बात उस मजरू किए जिसने वजह तो गाजियान इस्लाम पूरी उम्मत मुसलमान जरा कर्ज सी वो अदा किया तो उसकी वसले जहन्नम किया। मैं समझना आज ऐसा उन्होंने इजहार है यकजहती वास्ते था इस रैली नाल शामिल हाँ और अवाम इलाका की तुसा ने चैनल ने तवसल नाल मैसेज देना चाहते हैं कि तुसा भी गाजियान इस्लाम ने नाल इजहार यकजहती करो क्योंकि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नामूस और ख़त्म नबूवत ना जड़ा मामला आया
उसने पर पहरा देना हर मुसलमान पर अवलीन फरीजा आया और इस फरीजे की सर अंजाम देना चाहना आ ये साढ़े इस्लाम की बुनियाद है। बहुत शुक्रिया जनाब। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा बड़े ही रहने से काम होगा किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब ना शाम मतलब की सुबह होगी ना ये फसाना तमाम होगा। जी नाजरीन जैसा कि साढ़े नाल ना लियो और आसान तुसों की दसने के रैली मुख्तलिफ जगह थी पूरे चकसवारी जिसना एक राउंड आ और चकसवारी ने मुख्तलिफ जगह पर गुजरनी है और असा ये भी तक क्या कि काफ़ी जगह पर लोगों अपनी मदद आपने तहत जोड़े रैली वाले बंदे से उन्होंने शरबत ने इंतजाम पानी ने इंतजाम और इस तरीके ने काफ़ी ज़्यादा यानी कि अवाम उल्नास जी कि इस रैली में शिरकत कर रही है उसकी खिदमत करी रही है और चूंकि गर्मी ना मौसम आ इस वजह थी शरबत पानी और दिगर मशरूबात नाल भी काफ़ी जगह पर खिदमत करी रही हूँ मजीद रैली ने मनाजर जिधरों जिधरों रैली गुजरनी है आसन सो की नाल नाल इसने शार्ट दसने सो साड़ी वीडियो ने नाल नाल दसो ये उसकी पहचान है मुकर्रर के हर दम उस बे नवा के लब पर दुरूद होगा सलाम होगा दरे नबी पर पड़ा रहूंगा पड़े ही रहने से काम होगा कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी कभी तो मेरा सलाम दरे नबी पर पड़ा रहूं।